मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब जीतेंगे महाराष्ट्र। अजीत पवार ने बताया मोदी की जीत का राज, कहा महिलाओं ने दिलाई जीत। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर सोमवार 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित, मनेगी दिवाली। 3 दिवसीय दावोस यात्रा पूरी कर चुके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लौटे मुंबई, बड़े उत्साह के साथ किया गया स्वागत। शिंदे के दावोस दावों के बीच विपक्ष ने एमओयू निवेश की वास्तविक स्थिति बताने को कहा। शरद पवार के पोते रोहित पवार और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर को ईडी का समन, रोहित को 24 और किशोरी पेडणेकर को 25 तारीख को हाजिर होने को कहा। राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस में पहला इस्तीफा, खिन्न होकर बड़े नेता ने छोड़ दिया साथ। जिलाधिकारियों से मंत्री विखे पाटिल ने शिविर लगाकर कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि शिंदे समिति ने 54 लाख कुनबी रिकॉर्ड की पहचान की है, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, आरोप तय करने पर सुनवाई 21 फरवरी तक टली। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 62,500 किताबों के जरिए बनाई गई राम मंदिर की प्रतिकृति, किताबों के जरिए बनी यह देश की पहली प्रतिकृति। क्या महालक्ष्मी रेस कोर्स में थीम पार्क बनाने पर लगेगी रोक, 24 जनवरी को सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। 2/3 से अधिक यात्रियों की उड़ानें हुई रद्द, फ्लाइट रीशेड्यूल होने पर कोई जुर्माना नहीं देती एयरलाइन, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नवी मुंबई के उरण और नेरुल बेलापुर के बीच स्टेशनों पर नागरिकों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के 87% टीचर अयोग्य, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, TISS नामक संस्था ने जारी की विस्तृत रिपोर्ट। फंस गए 15,000 एलएलबी स्टूडेंट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा, सिलेबस के बाहर से आए पेपर में सवाल। एक राज्य एक यूनिफॉर्म, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने जूते मोजे के लिए गाइडलाइन जारी की, सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए बनाया गया नियम। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में बन रहा 80 फीट का राम मंदिर का मॉडल, 22 से 28 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम। बीएमसी पहली बार कुत्तों की जनगणना में पालतू जानवरों को भी करेगी शामिल, ताकि ये पता लगाया जा सके कि लोगों के पास अक्सर किस तरह के कुत्ते होते हैं। भारत 28 साल बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की करेगा मेजबानी, मुंबई में होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है इतिहास, पहली बार एक साथ होंगे 3 दलित जज, कॉलेजियम की सिफारिश। महाराष्ट्र में कोहरे के कारण 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की हुई मौत, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और थाने में हुआ हादसा। थाने के घोड़बंदर रोड पर कंटेनर पलटने से लगी आग, एक शख्स की मौत, सामान से भरा कंटेनर थाने से घोड़बंदर रोड की ओर तरफ जाने वाले रास्ते पर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। पालघर के मुखाड़ा घाट पर जलगांव पुलिस की गाड़ी पलट गई और 4 अधिकारी घायल हो गए। 190 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी तथा साल 2020 के वांटेड मुख्य आरोपी 59 वर्षीय जैन संजीव सेट्टी को अपराध शाखा की इकाई 11 के अधिकारियों ने शाम को गोरेगांव पश्चिम से किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज पर 2,000 रुपए में बन रहे थे आधार कार्ड, क्राइम ब्रांच ने गोवंडी से 3 को दबोचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने में वादी की द्वारा की गई 40 साल की देरी को माफ किया।